सत श्री अकाल, स्वागत है जी सारिया दा। सो जेडे स्टूडेंट कैनेडा दे सितंबर इनटेक दे विच फाइलिंग करना चाहुंदे ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स दे कमेंट आए गैप नू लैके, स्टूडेंट्स दे कंसर्न ने किन्ने क गैप नाल ओह फाइल लगा सकदे ने। अज दा शो इसी ते फोकस रहेगा, किन्ना गैप ईजीली एक्सैप्ट है, किन्ने गैप तो बाद जस्टिफिकेशनस लगाने पैणगे। सो अज दे साडे गैस्ट ने लैंडमार्क इमीग्रेशन दे मैनेजिंग डायरैक्टर जसमीत सिंह भाटिया जी, स्वागत है जी। हैलो एवरीवन। सो जसमीत जी, सितंबर च जिन्हां ने जाना आ गैप नू लैके स्टूडेंट्स दे सवाल ने, ओवरऑल तुसीं जे समझाणा चाहो स्टूडेंट नू सितंबर च गैप किस तरीके नाल देखण, किन्ने क गैप नाल ईजीली ते किन्ने गैप नाल विद जस्टिफिकेशन जा सकदे आ। सो स्टूडेंट्स, गैप एक बहुत ही वड्डा क्वेश्चन हैगा। पहली गल तां सरकारी कॉलेज 5 साल तक दे गैप नू कई बार वेवर दे दिंदे आ। काफ़ी सारे कॉलेजेस जे 5 साल तक का गैप है ग्रैजुएशन तो बाद, प्लस टू तो बाद, ता कोई रीज़न नहीं चाहिए तो फाइल ले या ऑफर लैटर ले लगाने ले। काफ़ी सारिया यूनिवर्सिटी तो 10 साल तक के गैप नू भी मानदियां। जे तुहाडे कोल कोई गैप हैगा एंड तुसीं नहीं पढ़ाई की, तो कोई रीज़न नहीं चाहिए तुहानू अपनी ऑफर लैटर लैण लई। पर जो 10 साल का गैप है तो सानू एम्बैसी नू दा रीज़न देना पएगा कि आपां 10 सालों च की कीता। सो स्टूडेंट, जे जस्टिफाइड गैप होवे, भावें 20 साल का जस्टिफाइड गैप होवे, तां वी तुसीं अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। बट गैप नू लैके एक बड़ी ज़्यादा मार्केट से चलती है कि तुसीं साडे कोल आ जाओ, असीं एक डिप्लोमा बना देंगे, असीं एक्सपीरियंस लैटर बनवा देंगे। सो किसी नू भी कोई पैसे देने की लोड़ नहीं हैगी, तुसीं इदां दे डॉक्यूमेंट्स ना प्रोक्योर करो, उन्हां दा फायदा कोई नहीं हैगा, उन्हां दा नुकसान ज़्यादा है। सो मेरी सारिआं नू यही एडवाइस है कि आपां जदों भी कोई डॉक्यूमेंट लैणा है तो किसी तो लेना ही नहीं है। सो सही सलाह लो, किसी जेन्युइन कंसल्टेंट को विजिट करो, साडे कोल विजिट करो, वी विल गाइड यू कि किदां आपां फाइल प्रोसीड कर सकते हैं। तो जसमीत जी, 10-10, 20-20 साल के गैप भी जस्टिफाई हो जाते हैं, वीज़ा मिल जाता है जस्टिफाइड? देखो दीपक, तुम सपोज एग्जाम्पल लेना, तुम 10 साल तो कोई काम नहीं किया, ठीक है, कि स्ट्रक्चर्ड काम नहीं किया, पर तुम्हें की किया होना, अपने घरदियों हेल्प की होनी है। सो किसी का एग्रीकल्चर से तो उन्होंने बेटा अपने फादर के नाल एग्रीकल्चर ही करता सी ना, सो उन्हें जस्टिफाई करने की तो लोड़ ही नहीं। सो मतलब स्टूडेंट नूं डरा दिता जांदा, उन्हें लगता भी नहीं कैनेडा ये मेरी गल किवें समझूगा भी मैं फादर नाल खेती। सच बिल्कुल समझा जाएगा, झूठ बिल्कुल समझा नहीं जाएगा। सो जो तुसीं सच बोलोगे तो बिल्कुल समझा जाएगा, और सच के बेस से वीज़ा लेना ज़्यादा सौखा है, ना कि झूठ के बेस से। सो जो तुसीं अपना केस अप्लाई करते हैं, आप बड़े खुश होंगे कि वो डिप्लोमा लाया से वीज़ा आ गया, पर आपां नूं उदों पता लगता जो असीं PR अप्लाई करनी होंदी है उदों भी उस डिप्लोमे का रेपरकर्शन हो सकता है। तुहानू बड़ा वधिया लगता कि असीं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लैके वीज़ा ले लिया, पर जो तुसीं अपनी PR की फाइल लाओगे उदों जे कोई प्रॉब्लम आ गई तो उदों भी यूनिवर्सिटी या IRCC एक्शन ले सकती है। सो सारे नूं मेरी ये अडवाइज़ है कि कोई भी आपां फाइल च गलत डॉक्यूमेंट ना लगाइए, तो इट विल बी वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर योर वीज़ा आउटकम। सो जेन्युइन गैप जस्टिफिकेशनस नाल जसमीत जी नाल मैं गल कर रहा, जसमीत जी दस रहे थे कि बहुत सारे वीज़े उन्होंने हासिल किए हैं, सिर्फ थोनू दस नहीं रहे। सो जेन्युइन गैप जस्टिफिकेशनस कैनेडा मानता है सच जे तुसी दसदे हो? सो जे थोड़ा गैप है, कोई भी सलाह चाहते हो अपने गैप नू लैके, तां लैंडमार्क दी टीम नू मिल सकते हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच।